बन जाएगी। हाँ सर सर सर, तो आज आप हमारा भी स्पष्ट जवाब सुन लीजिए। आप जी तो अभी निर्णय कर नहीं पाए हैं, मतलब आपकी स्थिति हम अभी 9 दिन पेंडुलम का की समय गति देना है। चाहते हैं, निर्णय तो हम बहुत पहले से कह रहे हैं ये निर्णय। नहीं, आपके बातों में ना वो चीज मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि नहीं अभी देख, आप ना क्विक पास हमारे में डिसीजन नहीं लेते, नहीं लेते, और हम नहीं, स्वयं हम ये क्विक नहीं पास कह में रहे हैं, हम डिसीजन ये लेते कह हैं। रहे हैं कि आगे भी हम निर्णय सामने वाले के कृत्य के ऊपर निर्धारित कर रहे हैं। सर तो क्यों हम हमें उनको मोहलत दें? कौन सा एहसान कर दिया जो हम उनको मोहलत दें? अब मोहलत का समय नहीं है, युद्ध नहीं की जब इसके रणनीति इसके नहीं नहीं रणभेरी इसके बच पीछे जाती लक्ष्य, है तब। इसके पीछे लक्ष्य ये है कि वो लोग जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए मोदी मोदी भी कर रहे हैं, उन्हें भी हम अपने फोल्ड में लेना चाहते हैं, तो आप उनको भी उनको हम जोड़ना उनका चाहते हैं। सोचिए, मैं तो देश का सोच करके निर्णय ले रहा हूँ, ले लिया हूँ, नहीं मेरा आपने तो सीधा पार्टी साधा बना ली लक्ष्य है। है। हाँ नहीं नहीं देखिए, हम तो बड़ी सिंपल सी बात कर रहे हैं कि आपने पार्टी बनाई है, आप जो भी निर्णय लेंगे उसको लेके आप आगे जा सकते हैं, राइट। हाँ हमारा कहना ये है कि जितना आपने फाइनल कर दिया वो फाइनल कर दिया, राइट। या आप उसमें भी 1 2 3 लिस्ट बना सकते हो कि 1 इज पूरी श्योर है, दूसरा जो है अभी टेंटेटिव है, नहीं, तीसरी। वो टोटली कंफर्म हो करके तब लिस्ट जारी की गई, लिस्ट ऐसे थोड़े जारी की जाती है तो चलो एक एक वो छोड़ते हैं। व्यक्ति से। देखिए मेरा ये कहना है कि यदि आप कहोगे कि साहब ये 200 बचे हुए हैं 9वें दिन के बाद, ये हम आपके जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो हम उनको बांट देंगे। यदि यदि वो कोई नहीं बची होगी तो हमारा फिर जो है ना, हम अपने इंडिपेंडेंट, यदि हम लोगों को 9 लोगों को जगाने में वो ही बिल्कुल सफल होते स्वतंत्र है हैं। सर, वो आप स्वतंत्र हैं उसके लिए। हम नहीं हमारी लेकिन तरफ लेकिन से यदि जो आपके है, लोग, यदि आपके लोग जो है ये 9 दिन में जगाने की प्रक्रिया का हिस्सा बने बनेंगे तो हम उनके प्रति भी बाउंड हो जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आपकी सूची के लोग हैं वो भी तो जो है ना मेरिट लिस्ट में अपने आप आ जाए ना, यदि वो लोगों सर को मैं एक बात जोड़ेंगे। बताऊं हाँ आपको, एक बात बताऊं, अच्छा ये बताओ, मैं आप यदि आप कमिटमेंट से हम अपने चलोगे, आइडियोलॉजी, अपने सिस्टम और अपने एसेट्स के आधार पर निर्णय लेने में सक्षम है। मैं तो हम वो केवल और बात ही केवल नहीं कह उसके रहा लिए हूं, अधिकृत मैं है, ये कह उसके रहा लिए अधिकृत हूं, है। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो जुड़े हुए लोग हैं यदि वो आज से मेहनत करेंगे, हमारे यहाँ तो कमिटमेंट लोगों का बहुत कम है, राइट, तो निश्चित तौर पे वो मेरिट लिस्ट में आएंगे। तो वो मेरिट लिस्ट जो है ना, मैथिली सेनगुप्त की भी मेरिट लिस्ट में होंगे, और टिकट आप उनको ऑलरेडी दे चुके हैं, राइट। देखिए हमारा आपसे एक बिंदु को लेके वैचारिक मतभेद है। बताइए, मतभेद किस बात को लेके? आप अभी भी नरेंद्र मोदी में संभावना नरेंद्र देख मोदी जी रहे हैं, को, नरेंद्र आप मोदी उसी जी को, किरण आपको नहीं दिखाई दे नहीं रही नहीं है, नहीं 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 आप और मेरी मैं बात नहीं उनको सुन रहे। एक्सपोज करने वाला व्यक्ति हूं, तो यहीं पर मैं एक्सपार्क तो किया है। बड़ा बड़ा सिंपल बात कह रहा हूं कि एक बड़ा तबका नरेंद्र मोदी जी ने मूर्ख बना के अपने साथ रखा हुआ है। हम उसको उनको एक बार फिर से एक्सपोज करना चाहते हैं कि यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं तो 21 लक्ष्यों को ग्राह्य क्यों नहीं कर रहे हैं और डेडलाइन में ग्राह्य करें, राइट। ये एक फायदा, नंबर 1। नंबर 2, हमारी लिस्ट में भी आपके सभी लोग आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि उनके लिए भी वो 21 लक्ष्य आपके वजह से हैं, जिनको आप भी ग्राह्य कर रहे हैं कि हाँ हम पूरी तरह सहमत हैं, राइट। तो वो लोग जो है इस सिस्टम में अपने लोगों को भी जोड़ते रहेंगे। तो निश्चित तौर पे अभी लोगों ने तो 10 20 30 जोड़े हुए हैं, आपके लोग हजार हजार देखिए जोड़ के नंबर 1 2 3 पे अपने आप आ जाएंगे, तो एक मिनट उनको इस। सुनिए, हाँ एक मिनट सुनिए, जी आपका जो अपना स्ट्रक्चर है ना, आप हाँ उस स्ट्रक्चर पर काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा नैतिक नहीं समर्थन है। मैं तो ये देख रहा हूं केवल एक कि मिनट एक क्या। मिनट, जरा मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, पूरी बात हो हाँ जाने दीजिए। जी हम अब एक दिन भी मोहलत देने के पक्ष में नहीं है, और हम अपना निर्णय कल के भरोसे नहीं छोड़ते, काल करे सो आज करे, आज तो करे सो अब। आप जो करते जाए वो करते जाइए, साथ में लोगों को हाँ कहिए कि क्राइम फ्री भारत मिशन को भी जोड़ना चालू करें, तो हमारा और आपका निर्णय एक ही निकलेगा, क्योंकि आप जिन पे निर्णय देंगे वो मेहनत करेंगे तो अपने आप मेरिट लिस्ट में भी आ जाएंगे वो। नहीं समझे आप? यही हमको देखिए मैं हमको तो, इन आपने सारी मेरिट, प्रक्रिया। देखिए हम आपके निर्णय को बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, आई एम ब्रिंगिंग ए कंसिस्टेंसी, आई एम टॉकिंग ऑफ द स्टॉप गैप। आपको 543 कैंडिडेट मिलना मुश्किल जाएंगे, लेकिन जो भी है ये मैं आपको आपकी कुछ कह, सोच है, ये आपकी मैं कुछ सोच है नहीं कह सर, रहा हूं आपको। यदि आपके हमारे हंड्रेड नेटवर्क परसेंट से आप परिचित ही देखिए नहीं है, एक हमारे मिनट कार्यालय एक आओगे मिनट तब एक देखो मिनट आप। एक मिनट मेरा ये कहना है कि ये 543 लोग जो है यदि जुड़ के इस काम को भी करेंगे तो हमारी मेरिट लिस्ट में भी वही होंगे, हमारा और आपकी मेरिट लिस्ट एक ही हो जाएगी। हम 100% अपने जितने भी लोग हमारे आपके माध्यम से जुड़ेंगे और जो अदरवाइज भी जुड़ेंगे, हम सब आपके लोगों को समर्थन दे देंगे, बात खत्म हो गई। उनको जो है ना छत देखिए पे चढ़ के विजयी बना देंगे, क्योंकि देखो ऐसा है, हमारे सिस्टम में भी आपके लोग ही आएंगे। जानते क्यों आएंगे? क्योंकि वो कमिटमेंट के साथ लोगों को जोड़ेंगे ना। हम ऐसा है कि
कि जो आपका कमिटमेंट का एक अपना, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्हें अपना काम करने, उन्हें अपना काम करने दीजिए ना, उनसे केवल अनुरोध कर लीजिए कि इसको जोड़ लीजिए, चूंकि वो कमिटेड है। एक मिनट, मेरी बात ध्यान से सुनो ना, चूंकि वो कमिटेड है और वो धन भी लगा रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर लोगों के जोड़ने की जो गतिविधि है उसमें जो है वो आगे निकल के मेरिट लिस्ट में उनका आना तय है ही है। पक्का है कि नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति जीतने की बात कर रहा है वो इतने लोगों को तो जोड़ ही लेगा कि वो मेरिट लिस्ट में आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम सिद्धांतिक तौर पे आपके सभी कैंडिडेट को समर्थन देने में मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट? तो हम, मैं आपको आप जो, हाँ, ये कब होगा? जब हम उनको निर्देशित करेंगे। तो आप निर्देश दो ना उनको, क्योंकि हम जो दे सकते ना, इसलिए अभी नहीं दे सकते कि आप उस अनुसार से काम ही नहीं करना चाहते, आप केवल अपने ही अपना चलाना चाहते हैं, तो कैसे होगा? देखिए, हमें जो है बड़े ग्रुप को जो कि मोदी कर रहा है उसको भी हमें साथ लेके अपने जो तुम्हारे 543 कैंडिडेट है इनको जिताना है। एक बात बताइए, आज शहीदी दिवस है। भगत सिंह ये सोच करके क्रांति किए थे कि 1,00,000 आदमी के साथ जब हो, लेकिन 75 सालों में आपके दुष्ट राजनेताओं ने भगत सिंह की आत्मा और भगत सिंह की डायरी में जो भारत का सपना देखा था उसके लिए तो 1 मिनट भी काम नहीं किया। नहीं किया ना, तो बस उसी कमिटमेंट के साथ आपके पास अभी जितने आज के डेट में जितने हैं उनकी टीम के साथ घोषणा कर दो। मैं तो, और उसके मैं बाद तो कह रहा हूँ कि हम आपको समर्थन देने के लिए उस स्थिति में 200% तैयार हैं। यदि जो है 9वें दिन जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को जो समय सीमा दे रहे हैं उस समय तक वो नहीं करते, आज मैं उनको पत्र भी जारी कर दूंगा। हाँ, वो आप जारी कर दीजिए। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आप जो है हमारी स्ट्रेंथ को नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि हमारी स्ट्रेंथ में मॉडल है, टेक्नोलॉजी है, बाधा है, एक्सपीरियंस है और पूरी स्ट्रेटेजी है, और उसमें जो मोदी करने वाले हैं उनको तोड़ने की भी स्ट्रेटेजी है। सर, मैं आपको एक बात बताऊं, हर आदमी अपने काम को बेटर समझता है। हम तो काम ही नहीं, हमारा तो कोई काम ही नहीं है, हम तो कह रहे हैं लोगों को जोड़ना ही एक काम है। आप कह रहे हैं ना, लेकिन जब आप एक समीक्षक जो होता है वो आदमी स्वयं नहीं होता, वो एक थर्ड पर्सन को बनाता है जो परीक्षक होता है। हमारी समीक्षा का तो एक ही तरीका है कि जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसका जो है समर्पण जो है ना, हम स्थिति करते हैं, उसको सांसद का टिकट दे देंगे। और यदि आ गया ना, तो बस एक ही पॉइंट पर आप कंसंट्रेशन कर लीजिए कि आपके इस परिभाषा के अकॉर्डिंग जितने लोगों ने उस क्राइटेरिया को फुलफिल किया है, ठीक है, उसका सूची बना लो। यही तो मैं कह रहा हूँ, और क्या कह रहा हूँ। हाँ, लेकिन मैं ये सूची इंटरफेयर थोड़े कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन हम ये सूची 9वें दिन बनाना चाहते हैं ना, उस दिन हम ज्यादा फेयर होंगे ना। चलिए, वो आपकी अपनी सोच है, मैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, लेकिन उससे आपको घाटा होगा। देखो, ये आपका नजरिया है घाटा है, और हमारा नजरिया है कि इससे हम जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के समर्थकों को भी जोड़ पाएंगे, अदरवाइज हमें बड़े चंक को जो है ना आप छोड़ रहे हो। नहीं तो आप ये आपका अपना सोच है, मैं आपके इस पॉइंट से असहमत हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आज अगर आप डिसीजन लेते हो ना तो आप फायदे में रहोगे, बाद में तो नहीं। तो डिसीजन तो मैंने ले ही लिया ना। आप देखिए, हम आपको सूची 9वें दिन देंगे ना। सूची देखिए, 9वें दिन हम आपको सूची दे देंगे, और वो भी सामने वाले से पूछ के कि भाई साहब आप खड़े होने के मूड में हैं क्या। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि आज आप अपने साथियों को भी ये निर्णय दे देंगे तो दे विल बिकम द बिग फैसिलिटेटर, क्योंकि जो है ना उन्हें 10-10 को जोड़ने का जो क्रम है, इससे एक तो उनकी पॉपुलरिटी और मेहनत सामने आएगी। अच्छा, और निश्चित एक मिनट जस्ट ए मिनट देखिए, हमारे पास जो वॉलंटियर हैं वो अभी डिसइंटरेस्टेड टाइप के पड़े हुए हैं, क्योंकि यदि वो कुछ करने लग जाएंगे तो 5वें दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे, तो वो तो कर नहीं रहे हैं। हो सकता है आपके लोग नए जुड़े हैं वो 10-10 को जोड़ने की चयन को जो है ना ज्यादा अच्छे ढंग से करेंगे, तो 100 करोड़ मॉडल पे बिल्कुल मॉडल से जो आपने कर रखा है मुझे उसमें कोई संशोधन नहीं करना। वो नहीं संशोधन, उसमें परमिसेबल भी नहीं है ना। नहीं, वो आप वो 21 नहीं, वो यदि आपको जैसे 21 लक्ष में लग रहा है कि नहीं साहब 5 लक्ष रह गए हैं, वो आप देंगे तो हम लक्ष्यों में बढ़ा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैंने आपको एक ही बात कहा सर, एक बात में सारी बातें आ जाती है। मैंने एक लाइन में ये बात केवल कही कि आपका जो मॉडल है,
जो आपका कमिटमेंट है, जो आपका संकल्प है, जो आपका मैनिफेस्टो है, मैं उससे असहमत बिल्कुल भी नहीं हूँ। सारा ओके 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 101% सहमत हूँ। विषय बस मेरा इतना मात्र है कि उसमें आप जितना देरी करेंगे आप घाटे में रहेंगे, ये मेरा कहना है। ये 9 दिन का और 7 दिन का मोहलत देना बिल्कुल मैं तो बड़ी सिंपल, मैं तो बड़ी सिंपल बहुत बात लेट हो चुके हैं सर, लेट हो चुके हैं, समझिए इस बात को। लेकिन आप जो है उससे करके माननीय नरेंद्र मोदी जी के हार्डकोर लोगों को नहीं ले जा पाएंगे, इसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को हार्डकोर आपको अभी भी वो कहता है ना, जब अभी भी आपको अगर अतिशय प्रेम है तो वो प्रेम वाली बात नहीं है, प्रेम वाली बात नहीं है। आप घोषणा कर दीजिए, फिर हमारे रास्ते अलग और आपके रास्ते बिल्कुल अलग होंगे और हम वैचारिक रूप से फिर आपका सामना करने के लिए तैयार है। चलिए, तो जो यदि लोग नहीं जागेंगे, नहीं नहीं, यदि लोग नहीं जागेंगे तो हम सामने ही नहीं आएंगे, क्योंकि हमको जो पावर पाना ही नहीं है। उन्होंने विश्व गुरु बना दिया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, तो इसका मतलब आप वन साइडेड होकर के केवल और केवल उनकी भक्ति में लीन है। और वास्तविकता मैंने तो उनका एक बात भी नहीं कहा, हम तो वो तो हम अपने कई पक्षों की बात कर रहे हैं, हम तो वो हमारी तो बात टीम है सर, पूरे भारत की टीम है, पूरे क्या कहते हैं जंबाजों की टीम हमारे पास भी है। आप हमारी चलो टीम से चलो हम आपकी बात मान लेते हैं कि आपके लोग जो है ना जोड़ना चालू करें, हम तो चलो हम आज से ही घोषित करते हैं, आज से ही घोषित करते हैं, हम आज से ही घोषित करते हैं, आज से आप कहना चालू कर देंगे कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, लेकिन हम आपको सूची 9वें दिन ही देंगे, क्योंकि हम 9 दिन की मेहनत जो है ना चाहते, इससे फायदा और भी निकलेगा। हो सकता है कि आपके जो लोग जो है ना नहीं जुड़ पा रहे, उन्होंने मेहनत कर ली तो उनको सूची में जगह मिल जाएगी, ठीक है। इसके बारे में आप कंफ्यूज हैं, देखिए नहीं समझे ना, जैसे आपके जिन लोगों ने जिनको जोड़ा और उन्होंने मेहनत कर ली तो उनको आगे जो ना मेरिट लिस्ट में स्थान मिल जाएगा, क्योंकि हमारी अपनी कोई मेरिट लिस्ट नहीं है, जो लोगों को जोड़ेगा वो एक ही मेरिट लिस्ट है। कुछ बातें चलिए, अब आपकी हमने आपकी ये बात मान ली है कि हम आज ही जो है ना इस बात को लिख रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी से प्रार्थना करते करते बहुत समय हो गया है, लिहाजा जो है अब ये विकल्प जो है ना समाप्त हो गया है, अब जो है मैं अपने पर से कहता हूँ कि जल्दी से अपने अपने 9 को जोड़ें और जो भी वो करेगा उसको जो है ना टिकट दिया जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। हाँ सर, सर एक आग्रह है आपसे, लेकिन 9वें दिन वो सूची हम आपको देंगे, क्योंकि यदि हम आपसे समर्थन मांग रहे हैं तो वो बेसिकली आपके लोग जब जोड़ना चालू कर देंगे तो हमारी लिस्ट में तो आपके ही लोग रहेंगे सब। सर एक मिनट, अभी हमारे साथ हमारे कार्यालय में पधारे हुए हैं माननीय लेखराज जी, लेखराज सिंह जी, ये हमारे सेना के कैसे जांबाज हैं जिन्होंने 1971 की लड़ाई लड़ी है ना, तो इनसे मैं आपका परिचय करा रहा हूँ, आप 2 मिनट इनसे बात करें जी। ये मैथिली सर, जय हिंद। लेखराम जी आपका स्वागत है, आपने बात करने की बात सोची है उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे पास ऐसी टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी है कि धन की जरूरत नहीं होगी।